माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। इस वक्त हम आपको गाजीपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां माफिया मुख्तार के घर के बाहर कुछ इस तरह से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग इस पूरी घटना से स्तब्ध हैं, उनके समर्थक हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर ये अचानक कैसे हो गया। हालांकि माफिया मुख्तार ने हाल ही में ये बात खुलकर कहा था कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिससे उसे खत्म किया जा सके। हाल में उसकी तबीयत भी बहुत बिगड़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर जिस तरह से जानकारी सामने आई कि बांदा जेल में बंद मुख्तार की तबीयत अचानक बिगड़ती है, उल्टी और बेहोशी की शिकायत होती है, उसे उसी हालत में लेकर आया जाता है और अस्पताल में लगातार कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा पाता है, उसकी मौत कार्डिक अरेस्ट से हो जाती है। हम आपको गाजीपुर की तस्वीरें दिखा रहे थे और अब आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे गाजीपुर में पुलिस बल भी काफी हाई अलर्ट पर है। तभी तो हर सड़क चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे ही फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, जिससे शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके, कानून व्यवस्था पर किसी भी तरह का कुठाराघात ना हो सके। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अभी खबर फैलने के बाद सामने आ रही हैं, उससे हालात बिगड़ने की आशंका बहुत ज्यादा है। फिलहाल गाजीपुर से खबर यह है कि मुख्तार के जो परिजन हैं वो वहां से निकल गए हैं बांदा के लिए, लेकिन गाजीपुर में उनके समर्थकों का जुटान होने लगा है और इसकी एक झांकी और इसकी तस्वीरें हम सबके सामने आने लगी हैं। और यही वजह है कि प्रशासन पूरी चुस्ती तंदुरुस्ती के साथ पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात कर रहा है। जहां जहां जरूरत है आरएएफ की, जहां जरूरत है एसएसबी की, वहां वहां उसे जरूरत के हिसाब से तैनात किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।